एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 मेडलिस्ट, 3 बार नेशनल चैंपियन, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, टोक्यो ओलंपिक्स में नई ऊंचाई छूने में सक्षम। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आवाहन से प्रेरित होकर अपनी उड़ान का रुख टोक्यो ओलंपिक्स की तरफ मोड़ने वाले खिलाड़ी का नाम है श्री शंकर मुरली। केरल के यक्कारा में जन्मे श्री शंकर ने छठी क्लास में लॉन्ग जंप का स्टेट रिकॉर्ड बनाने के बाद इस खेल को अपना मिशन बना लिया, दर्जनों मेडल भी जीते। लेकिन 2018 में वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने से चूक गए। In 2018, I had a real setback with the appendicitis surgery. It was a real tough time for me, and the road to recovery was really tough. बीमारी से उबरने के बाद भारत सरकार द्वारा टॉप्स प्रोग्राम के अंतर्गत अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हुए श्री शंकर ने शानदार कमबैक किया और 2021 के फेडरेशन कप में 8.26 मीटर की जंप लगाकर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी किया। The Olympic gold, definitely it means like a dream for me, which will certainly come true. I would really like to thank Government of India, Sports Authority of India, Target Olympic Podium Scheme for whatever they have done. They have provided me with the best training atmosphere. With their help, I was able to stimulate a greater training atmosphere back at my home also, because it's perfectly working for me. टोक्यो ओलंपिक्स की तरफ अपनी लंबी छलांग लगा चुके श्री शंकर मुरली हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।